मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर बहुत सी कठिनाई आई थी, लेकिन हरियाणा सरकार के अनुरोध पर इसे नेशनल हाईवे घोषित किया गया। नेशनल हाईवे घोषित होने के बाद हरियाणा में आने वाले 28 किलोमीटर के इस रास्ते पर करीब 9000 करोड़ रुपए खर्च कर केंद्र सरकार बात कर रही है। ये बात सीएम खट्टर ने दिल्ली में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही। साथ ही सीएम खट्टर ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज इसके लिए आभार पात्र हैं। सीएम खट्टर ने दावा किया कि 4.5 साल के कार्यकाल में हमें केंद्र की तरफ से 11 नेशनल हाईवे मिले हैं। खट्टर के विकास में हरियाणा में बहुत से प्रोजेक्ट्स हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने मंजूर किए हैं। मैं विशेष तौर पर उल्लेख करूंगा कि जो द्वारका एक्सप्रेस वे, इसमें बहुत सी कठिनाइयां आ रही थी। कुछ तो गुरुग्राम के अंदर भी इसके इलीगल एनक्रोचमेंट्स थे और विशेष तौर पर दिल्ली में जमीन की एक्विजिशन को बड़ा काम था। वन विभाग की जो कई तरह की क्लियरेंस, वो उसमें कठिनाई बनी हुई थी। तब जाकर के नितिन गडकरी जी से जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने इसको सर स्वीकार किया कि इसको हम बनवाएंगे। और मैं आभारी हूँ श्री नितिन गडकरी जी का कि जिन्होंने मेरा एक सामान्य वाक्य कहने पर भी उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है। उस समय शायद अंदाज तो नहीं रहा होगा कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, लेकिन आज जैसा सबको जानकारी दी जा रही है कि 9000 करोड़ रुपया इस पर लगेगा, तो इतने बड़े इस प्रोजेक्ट को भले ही दूरी में, ये मात्र 23-24 किलोमीटर का ही रास्ता है शिव मूर्ति दिल्ली से लेकर, 28 किलोमीटर है शिव मूर्ति दिल्ली से लेकर के और खिड़की दौला गुरुग्राम तक। इसका अब लगभग जितनी भी कठिनाइयां हैं सब क्लियरेंस हो गई हैं। देखिए, जैसा गुरुग्राम और दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है उसमें अभी तक नेशनल हाईवे नंबर 8 यही एकमात्र रास्ता है जिसका ट्रैफिक लगातार जाम रहता है। उसमें भी ये दूसरा हाईवे जब बन जाएगा तो इसका निश्चित रूप से द्वारका का दिल्ली के साथ, और खास तौर पर जो पश्चिमी दिल्ली के द्वारका की तरफ जो आने जाने वाले लोग हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, उनको सबको एक रोड का